चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र के कस्बे के दलित व्यापारी के 16 वर्षीय बेटे सुधांशु का अपहरण कर 50 लाख रुपए फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने की हत्या। आपको बता दें, सुधांशु शनिवार से घर से लापता हो गया था। परिजनों ने पुलिस में इस वजह से रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी कि शायद सुधांशु अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया होगा, लेकिन जब सुधांशु के परिजनों को 12 फरवरी को सुबह अपहरणकर्ताओं ने फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और ये फिरौती की धनराशि वेड़ी पुलिया लेकर आने को कहा और परिजनों को धमकी दी, यदि इसकी सूचना पुलिस को दी तो वे उनके बेटे की हत्या कर देंगे। इसके बावजूद सुधांशु के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिस कारण से परिजनों को रात्रि सुधांशु की लाश पुलिस के माध्यम से देवांगना घाटी में बरामद हुई। वहीं परिजनों ने किसी के ऊपर अपहरण के शक से इनकार किया हुआ है और उनका ये भी कथन है कि इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को पकड़ भी लिया है, जिनकी निशानदेही के आधार पर देवांगना घाटी में उनके पुत्र की लाश बरामद हुई है। अब देखना ये होगा कि अपहरण करने वाले लोग कौन हैं, ये तो पुलिस के खुलासे के बाद ही पता चल सकेगा। थाना रायपुरा के सुधांशु नाम के एक बच्चे के अपहरण और फिरौती मांगने की सूचना आज दोपहर में लगभग 2 बजे थाना रायपुरा को सुधांशु की मां ने दिया कि उसका बच्चा शनिवार से घर से गायब था। इससे पहले भी वो कई बार घर से जा चुका है और 2-3 दिन पर आ जाता था। आज उसके पास इस तरह का फ़ोन आया है जिसमें 50 लाख रुपए फिरौती मांगी गई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस ने अभियोग दर्ज किया और हमारी टीमें उस मोबाइल नंबर के आधार पर छानबीन में लग गई और हमारी टीम को सफलता मिली। 3 लोग जो इस घटना को अंजाम दिए थे वो पकड़े गए हैं। एक की तलाश अभी भी हमारी टीम कर रही है और इन तीनों की निशानदेही पर देवांगना घाटी में पहाड़ी के ऊपर जंगलों में डेड बॉडी भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। फील्ड यूनिट वहाँ हमारी काम कर चुकी है और शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।